और उसको एक्टिवेट नहीं कोई दूसरा कर, उसको एक्टिवेट उस वही प्रशासन किसकी पावर जो है, शक्ति जो है वो किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होगी, और एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाएगी तो वो निरंकुश हो जाएगी। तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या है कि शक्ति को ही बांट देना, कि एक व्यक्ति सारे काम का निर्णय ना करे। तो वो व्यवस्था जो आप सल्तनत पीरियड पढ़ रहे हैं 1206 से यहाँ शुरू होगा और 1526 इस पीरियड में जो है तो सल्तनत कायम रहा, और सल्तनत फेल कैसे हुआ, सल्तनत फेल इसलिए हुआ और बाहर से मुगल आकर उनको हरा दिए प्लान ड्यूटी को, उसके पीछे प्रशासनिक व्यवस्था नहीं फेले हो क्यों, क्यों इसलिए क्योंकि वो अपने अपने ब्यूरोक्रेट्स को या अपने मंत्रिमंडल को अपने बराबर बैठाते, अफगानों में हायरार्की सिस्टम नहीं था, वो राजा और वजीर और सब एक साथ मिलकर बैठे। जैसे कि आप देखते हैं ये डीएम है, डीएम के पास जाके हम दबाव बैठेंगे, हमसे मतलब है जनता सिस्टम है प्रशासन, डीएम वहाँ से बैठ के सिर्फ आदेश करते हैं, तो उसके नीचे फिर एसडीएम, फिर उसके नीचे तहसीलदार, फिर उसके नीचे नायब तहसीलदार, फिर उसके नीचे कानून को है, उसके नीचे लेखपाल, ये सिस्टम है प्रशासनिक सिस्टम। और अगर एक के साथ ही बैठते हैं सब लोग तो दोस्ती हो जाए सबके बीच में तो तर ही नहीं पता चलेगा, तो प्रशासन फेल हो जाए, और वो उस प्रशासन से किसको बेनिफिट है, जनता को बेनिफिट है। वो प्रशासन किस लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है। तो इसलिए एक सिस्टम हायरार्की बनाई हुई है, और उस हायरार्की को किसने खत्म कर दिया, क्योंकि डायनेस्टी। और जब हम फिर जब दोस्ती कर लें उस वक्त कहते कि नहीं अब हम राजा बनेंगे और तुम हमारे नौकर बनोगे, तो जो राजा के दोस्त थे वो राजा के दुश्मन हो जाएंगे, यानी कि प्रशासन फेलोर हुआ। इब्राहिम लोदी अगर हारा तो इब्राहिम लोदी हारा अगर पानीपत में किससे हारा, बाबा से, तो बाबा ने बुलाया किसने, इब्राहिम लोदी के ही रिश्तेदार दौलत खान जी से, उसके चाचा लगते थे, क्यों, क्योंकि इब्राहिम लोदी चाहे ये चाहता था यहाँ की हरारती मेंटेन करना चाहता, और जिस हरारती को किसने खत्म किया, पहलो लोदी ने और सिकंदर लोदी, अंडरस्टैंड। तो अब जो प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था अगर टूटी तो सल्तनत का क्या हुआ, पराजय हो, और फिर नहीं, फिर अब जब मुगल साम्राज्य आएगा और मुगल साम्राज्य में भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चलेगा, और प्रशासन ही टूटेगा तो मुगल साम्राज्य का पतन होगा। तो इसलिए तुमको अगर तुमको तैयारी कर रहे हो तो प्रशासन को पढ़ना पड़ेगा, प्रशासन चलता कैसे, प्रशासन को जानना, जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें केंद्र होगा, केंद्र के नीचे राज्य होगा, राज्य के नीचे जिला होगा, जिला के नीचे परगना होगा, परगना के नीचे गांव होगा। अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो इस साम्राज्य को राज्य में बांटना पड़ेगा, राज्य को जिला के लेवल में बांटना पड़ेगा, और जिला के नीचे कौन रहेंगे, गांव। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा एग्जाम्पल दे कम से शुरू करें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री को पता करना है आपके बारे में, तो कैसे पता करें, पता करें किसको करेगा, सीधे किसको, सीधे जिला अधिकारी को फोन कर, जनपद से पता चले, एक आदमी का जनपद तहसील को, एसडीएम को, एसडीएम फलाना जिस क्षेत्र का देखभाल होगा उसको फोन करेगा और वहाँ की पूरी कुंडली निकाल के वहाँ पर पहुँचा देगा। डिजिटल में सर वहाँ भी तो पता कर सकते हैं डिजिटली, तो अब डिजिटल हो गया ना आज के 20 साल में ना, तो आधार नंबर डालोगे सब फटाक से निकल जाएगा। अब आपका हाथ उंगली पकड़ के अगर रखवा दे बायोमेट्रिक पे प्रशासन, तो फट से आपकी फोटो और आपका सब डिटेल आ जाएगा। तो ये तो 20 साल में ना, अभी पिछले 20 साल में
20 साल भी नहीं जाएंगे, 15 साल पहले नहीं था ऐसा सिस्टम, लेकिन तब सिस्टम नहीं सकता कितना, कोई सिस्टम नहीं था, मैनुअल काम था, कोई डिजिटल काम नहीं था, मैनुअल में सिर्फ लेते कलेक्शन का काम था, किसी की आइडेंटिटी नहीं लिखी जाती थी, आइडेंटिटी लिखी भी जाती थी तो सिर्फ सैनिकों का लिखा जाता जो सेना में भर्ती हो उसको चेहरा कहते थे, चेहरा गुलिया लिखा, गुलिया लिखा जाता सैनिकों का। और हर जगह आप अधिकारी अपॉइंट होते थे, इसी चीज़ को आपको जानना है कि कैसे चलाते थे पूरा प्रशासन जो चला ही था, तो प्रशासन जब अच्छा रहेगा तो राज्य अच्छा चलेगा, राज्य की उन्नति होगी, और प्रशासन अगर फेल हुआ तो राज्य की अवनति होगी। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जरूरत है, अंडरस्टैंड, इसके बारे में कुछ बताएं आपको। सेंटर में ये चार अधिकारी होंगे और राजा होगा, सुल्तान की एक अलग एडवाइजरी कमेटी होती थी जो सुल्तान को एडवाइस करती थी, इसको बोलते थे मजलिस के अकबर।
तुगलक काल को तिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। जबकि लोधी शासन को तिजारत का निम्न काल कहा जाता है। लिखे अमीरों का स्वर्ण काल लोदी काल को कहा जाता है। अमीरों का स्वर्ण काल लोदी को कहा गया है। अमीरों का स्वर्ण काल लोदी काल को कहा गया है। जबकि बलबन का काल उनका निम्न काल है। जबकि बलबन का काल उनका निम्न काल है। जमींदारों नंबर थर्ड है। और जमींदारों को खुद का ब्रेकर लिए खुद मुकदम और चौधरी खुद मुकदम चौधरी खुद मुकदम और चौधरी ब्रेकर बंद करिए। निम्न काल अलाउद्दीन खिलजी का काल कहलाता है। अब तो चौधरी एक जात बन गई है। आपको सुनते हो तो चौधरी का मतलब था कि किसी एरिया का वो चौधरी अपॉइंट किया जाता था और उस एरिया का उसको टैक्स जैसे पोस्ट था चौधरी। जैसे कहते जिलाधिकारी, जिलाधिकारी क्या है एक पद है और उसका काम क्या है पूरे जनपद का टैक्स कलेक्टर होता है। कलेक्टर भी कहते हैं और टैक्स कलेक्शन करके उसको अब तो सब डिजिटल होता गया है। पहले मैनुअल काम होता था कलेक्शन करके फिर राजकोष में जमा किया। अब डिजिटल है कि अब मोबाइल से सारा काम पेमेंट करेंगे तो CGST है GST है स्टेट का स्टेट में चला जाएगा और सेंट्रल का टैक्स सेंट्रल के अकाउंट में। तो ये सब नई सिस्टम है। लेकिन उस समय क्या है चौधरी कलेक्ट करता था और चौधरी कलेक्ट करने का अपने ऊपर अधिकारी को देता था फिर वो अपने ऊपर और फिर सेंट्रल के पास तब फिर सेंट्रल के पास और सेंट्रल के पास आर्मी है और आर्मी को सेंट्रल को राजा को पेमेंट करना तो उसी पैसे से वो उसको पेमेंट करता। ये प्रशासनिक होता तो चैनल था। चैनल को सुना जैसे क्या अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी तो आपने ये केंद्र में लिखा अब केंद्र में राजा इस तरह से काम करेगा दिल्ली में बैठा होगा लेकिन अब उसके नीचे राज्य भी तो है। तो अब लिखेंगे राज्य राज्य को ही किता कहते थे। राज्य क्या कहते थे या राज्य कह लीजिए या प्रांत कह लीजिए राज्य कह लीजिए या प्रांत और इसको कहते थे इक्ता। ये प्रशासन की एक इकाई हो गई और प्रशासन की दूसरी इकाई हो गई एडमिनिस्ट्रेशन और इसका जो प्रमुख होता था उसको वली कहते थे या मुक्ता कहते थे। अपराध इसके नीचे होता था उसको कहते थे सिख। सिख सिख का मतलब हो गया किला। जिले के अधिकारी को जिलाधिकारी कहते हैं सिख ए सिद्धाराम होते हैं। सिख ए सिद्धाराम जिलाधिकारी और इसके प्रमुख को बोलते थे जिले के सिद्धार। फिर अब नंबर दो प्राप्त हो गया नंबर तीन हो गया पर नंबर चार कर रहे थे तो परगना हो गया। परगना का प्रमुख जो होता था उसको आमिर।
दिखाई दे सकती है। सबसे पहले केंद्र हो गया, केंद्र के नीचे क्या हो गया, राष्ट्र हो गया, राष्ट्र के नीचे क्या हो गया, सिख हो गया, सिख के नीचे क्या हो गया, सरगना हो गया। हम नंबर पाँच लिखेंगे इसके बाद, इसके नीचे क्या होता था, ग्राम। और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसको खुद बोलते थे या गत्तम बोलते थे या चौधरी। इसी को जो कुट मुकद्दम चौधरी है, ये मैक्सिमम ये पद मिलता था हिंदुओं गांव में जो टैक्स कलेक्शन। अब ये टैक्स कलेक्शन यहाँ करते थे, यहाँ से इनको भेजते थे, ये इनको भेजते थे, ये इनको भेजते थे, यहाँ से सुल्तान को भेजते थे। ये चैनल अदृश्य। अब आज क्या है, आज के नए सिस्टम में टैक्स कलेक्शन डिजिटल हो गया, लेकिन रिकॉर्ड में रखा जाता है, क्योंकि सरकार उस सरकार उसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है। तो अब राज्य सरकार पैसा जब उसके पास जाता है तभी तो इतना पुलिस का है, जो 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 चीज़ें राज्य सरकार के पास है, सड़क है, राज्य की पुलिस है, राज्य के सरकारी डॉक्टर है, सबको तनख्वाह देती है ना, कहाँ से देती है इसी टैक्स। तो सरकार भी तो आपको आपको समस्या होती है, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस क्यों आती है, सरकार उनको अपना नौकर रखती है, मतलब नौकरी कर रहा है, मतलब किसके नौकर, सरकार की। तो सरकार की जो नौकर है उनको पैसा कौन देगा, सरकार देगी। सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से, अब टैक्स भी कई तरह का नहीं आप लोग जानते हो, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उस समय तो उस समय भी टैक्स लगती है, क्योंकि दुनिया व्यापार कर लगता है। अब थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, थोड़ा सा सर, ये राज्य स्तर पर जो राजस्व विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनको क्या बोला जाता है इस समय? हाँ, प्रेजेंट टाइम अभी बताओ। अभी तो तुम देखो, अभी तो तुमने इसको समझा सर, ये सिस्टम क्या है, ठीक। ये पूरा जो दिल्ली सल्तनत है वो चलेगा कैसे, चलेगा तभी सिस्टम पूरा काम करेगा। अगर हम सैनिकों को वेतन नहीं दे पाएंगे तो सैनिक अपना काम छोड़ देंगे, ठीक है। या हम किसी को जो हमारे नौकर हैं वो तो तभी काम करेंगे जब हम तनख्वाह, इसके अलावा सिस्टम फेल होता है करप्शन की वजह से। तो करप्शन उस समय भी होता था, करप्शन पर लोग पैसे लगाएंगे उसकी भी व्यवस्था है यहाँ पर। अभी आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि जो सुल्तान है वो सोचता है कि जो हमने अधिकारी अपॉइंट कर रखे हैं ये बेईमानी ना करेंगे, तो वो व्यवस्था कैसे कर सकती है। और यहीं से सवाल पूछता है कि आप उतना समझ पा रहे हैं, अगर आप सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उस सवाल को आपने सही जवाब लगाया, इट्स मीन्स कि बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन को समझ रहा, ठीक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो ये सिस्टम, और ये सिस्टम ही फेल हुआ था तब लोधी हारे थे, जैसे लोधी नहीं हारे थे क्योंकि लोधी ने इस सिस्टम को ही समाप्त करने का प्रयास किया। पहले लोधी तो सबको अपना दोस्त बना लिया, हस्त त्याग आइए बैठिए, और जब हम सबको दोस्त बना ना, फिर कहे नहीं हम सुल्तान बनेंगे, निरंकुश सुल्तान हम जो कहें वही तुम करो, तो हम कल तक तो दोस्त थे तुम्हारे पिता के, हमारे तुम कहो कि हम तुम कहें हमारा आदेश का पालन करो, तो हम तुम्हारे आदेश का पालन। आदेश का पालन मतलब क्या होगा, आदेश का पालन ये हो गया कि मान लो कि हम जैसे भी तुमको बताया कि सामंत हैं, तो जैसे टैक्स कलेक्शन करके अब टैक्स को ऊपर अपने भेजना, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम टैक्स, इसका मतलब हम आपके अधिपत्य को स्वीकार करते हैं, और हम टैक्स अगर नहीं भेज रहे हैं तो मतलब हम अपने आप को स्वतंत्र बना रहे हैं। तो जब ये इब्राहिम लोधी ने जो दौलत खान लोधी का नाम सुनते हैं आप लोग, इन लोगों से वो डिमांड करता था कि जैसे वो पंजाब में अपॉइंट था, वो दिल्ली में थे, अब वो कहता था कि पंजाब हमारा राज्य है, तो तुम जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हो वहाँ से उसको तुम हमको भेजो। अब वो नहीं भेज रहे, तो वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि ऐसा कीजिए वापस से जाके मिल रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कीजिए आप आक्रमण कीजिए और इसको हटाइए, आप हमको बना दीजिए। बाबर को ऐसे नहीं बुलाया, अब देखिए ये भी मुसलमान और ये भी मुसलमान, दोनों मुसलमान ना, वो तो दान की बात है। तो दौलत खान उसे तो तब बाबर को बुलाने गए दौलत खान कि इब्राहिम बाबर आएंगे और इब्राहिम लोधी को
हराएंगे और हमको बाकी उनको क्या पता था कि बाबर आएगा उसका पैर नहीं जम गया, और वो आया उसका पैर नहीं जम गया और सबको मारा, वो दौलत खान लोधी को भी मारा और दूसरा आपने नाम सुना होगा काड़ा सांगा का उसको भी मारा खान मंत्री वो बुरी तरीके से पड़ा और इस तरह पराजित किया कि दोबारा सोचो कि हम लड़ेंगे तो उनके ही मंत्रियों ने उनको जहर दे दिया काड़ा सांगा के जो मारे कि कौन लड़ने जाए तब मुगल सम्राट यानी कि जब जब अगर प्रशासन फेलियर हो गया तो सुल्तान का मतलब कुछ सुल्तान हार जाएगा, सुल्तान कब टिकेगा जब प्रशासन चुप करेगा। आपको इसलिए पढ़ा था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझना है, अगर आप मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री कब मुख्यमंत्री बना रहे जब नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन टाइट बन गया करप्शन नहीं होना चाहिए लेकिन जगह उसकी नज़र होगी वरना कोई और पैरेलल में अगर स्ट्रांग हो गया तो वो फिर मुख्यमंत्री का महत्व नहीं रहते, इसलिए मुख्यमंत्री को बहुत टाइट रहना चाहिए, प्रधानमंत्री को बहुत टाइट रहना चाहिए। तो ये सब प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऊपर पे सुल्तान है और सुल्तान का कोई चुनाव तो होता नहीं, शक्ति के बल पर सुल्तान बनते थे, जिसके पास शक्ति होती थी वो सुल्तान बनता। अब इसको एक्सप्लेन तो केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान होता था और ये केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था जो कि सभी शक्तियों का केंद्र, सब लोग नीचे थे लेकिन सभी शक्तियों का केंद्र में कौन था सुल्तान, निर्णय वही सब लेता था और निर्णय किसके किसके एडवाइस से लेता था वो मजलिस से हलवा अपनी एक एडवाइजरी कमेटी बना रखी थी उसके थ्रू वो निर्णय लेता था। शासन व्यवस्था शांति की स्थापना और बाह्य आक्रमणों की सुरक्षा के अतिरिक्त यानी कि तीन जिम्मेदारी है शासन व्यवस्था शांति की स्थापना और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के अतिरिक्त सुल्तान का महत्वपूर्ण कार्य इस्लाम धर्म की सुरक्षा और उसका विस्तार करना यानी कि सब क्या हुआ इसके कर सकते हैं इसको चाहे तो आप लिख लीजिए सुल्तान के कारण क्या है भूल जाएंगे। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान जो कि सभी शक्तियों का केंद्र शासन व्यवस्था शांति की स्थापना और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के अतिरिक्त सुल्तान का महत्वपूर्ण कार्य इस्लाम धर्म की सुरक्षा और उसका विस्तार। इस्लामिक स्टेट है तो भाई इस्लाम धर्म का स्थापना करना है उसका विस्तार भी करना है। सुल्तान को उसके कार्यों में मदद देने के लिए एक परामर्शदात्री संस्था मजलिस एक खलवत
मजलिस एक खलवत थी। सुल्तान न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था, सुल्तान न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था, सुल्तान न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था। अच्छा, आप क्या प्रधानमंत्री न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं? न्याय विभाग वाले ही कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस। न्यायाधीश का काम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी को फांसी की सजा हो गई है तो उस सजा को माफ करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, सुप्रीम राष्ट्रपति। और राज्य में किसको है? राज्यपाल। तो अब ये केंद्र और राज्य हो गया। वैसे जब पूरा केंद्र का सिस्टम समझ जाएंगे ना, समझ पड़े रहे तो केंद्र का वही सिस्टम राज्य पर रहा। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद के चार महत्वपूर्ण मंत्रियों की मदद से, इसके आगे लिखिए, मंत्रिपरिषद के चार महत्वपूर्ण मंत्रियों की मदद से सुल्तान प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था। चारों के बारे में मैंने आपको लिख दिया, दीवाने विचारक, दीवाने हर्ष, दीवाने ईर्षा, दीवाने ऋषारक। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो नंबर एक, ये जो लिखा हुआ है यही चार विभाग हैं उनके माध्यम से वो काम करता है। अब दीवाने विचारक, नंबर एक दीवाने विचारक, देखो दीवाने, जैसे कि अब दीवाने विचारक के बारे में आपको बताऊँ तो अब जैसे अब शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है? मोहम्मद गोरी से। अब मोहम्मद गोरी से शुरू करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर मसूर शाह, और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन के बाद कैकुबाद, फिर खिलजी वंश आ जाएगा 1290 से, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो इसमें प्रश्न कभी कभी पूछता है कि भला सुल्तान के समय वजीर कौन? तो सुल्तान तो बहुत है, शुरू करेंगे इब्राहिम लोदी तक, तो अब इसके लिए आपको स्पेशल अध्ययन करना पड़ेगा और नोट डाउन कीजिएगा। अब आपको कभी जब पेपर साल कीजिए, जिसे मैं बता दूँ नहीं ना रहेगी और पता ही नहीं, इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में आ जाते हैं कि किंतु तमीज़ के वजीर का नाम क्या है? ऑप्शन दे, या कुतुबुद्दीन ऐबक के वजीर का नाम क्या? तो जब आप अपने नोट्स बनाइएगा तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि सबके वजीरों के नाम नोट डाउन करिएगा। और पेपर सॉल्व जब तक पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि एग्जाम देने जाएंगे तो किस लेवल का क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आना है। जैसे आप BCS प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 साल का BCS प्री का पेपर अभी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, आपको स्तर पता चल जाएगा कि किस स्तर के प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न आए हैं, मैंने देखे हैं कि फला सुल्तान के वजीर का नाम क्या। तो दीवाने विचारों में इसका प्रमुख वजीर होता जो कि मुख्य रूप से राजस्व एवं अर्थव्यवस्था का प्रभाव। अब देखिएगा यहीं पे सेपरेशन ऑफ पावर आपको मैं बता रहा हूँ चारों विभाग के बारे में। आप देखेंगे कि जो इसको जो समझना है, एक बैंक के मान लो वजीर है आप, तो सुल्तान तो ये चाहेगा ना कि हमारे नीचे रहेगा वजीर, ऐसा ना हो कि वजीर हमारे बराबर समकक्ष है। उसके लिए कोई नियम बताएगा, कोई तरीका बताएगा, सिर्फ पावर को विभाजित करेगा। अगर किसी के अंदर सारे पावर केंद्रित हो, जैसे भारत में सारा पावर किसके अंदर केंद्रित हो? राष्ट्रपति में कि प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री में है सर, प्रधानमंत्री में ना, राष्ट्रपति में अलग नाम का, सिर्फ उसको वीटो का भी अधिकार नहीं है। और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सुल्तान है और सुल्तान के नीचे प्रधानमंत्री है,
तो सुल्तान किस तरह के सुल्तान शासन करेगा, वजीर हमेशा हमारे कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए उसको कुछ काम करना पड़ेगा, उसके लिए उसको कुछ आपको काम क्या करना पड़ेगा या अब तो इनका काम क्या है, इसका दीवाने दीवाने विचारक का प्रमुख वजीर होता है, फिर जो मुख्य रूप से राजस्व एवं अर्थव्यवस्था का प्रभारी, जो मुख्य रूप से राजस्व एवं अर्थव्यवस्था का प्रभारी था। बर्नी के अनुसार इन्वर्टर कॉमा में लिख लीजिएगा, एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है, एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। तब वजीर ही सुल्तान के पश्चात राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा, हिंदी में लिख लो, महालेखा का
पूरे पूरे प्रांतों से तो आप जानेंगे ना केंद्र केंद्र के नीचे क्या है प्रांत, प्रांत के नीचे क्या है सिख, सिख के नीचे क्या है परगना, परगना के नीचे क्या है ग्राम। ठीक, अब उस सारा टैक्स कलेक्शन कहाँ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप होते होते कहाँ जाएगा, केंद्र के पास, वजीर के पास। सुल्तान वजीर सुल्तान में सेंटर में पहुंचा उसका तो सुल्तान सुल्तान के पास तो जाता है कि इतना आया, अब खर्च कैसे करना कौन बताए, सुल्तान बताए आया आए कितना आया ये इसलिए महाल होता है। आप लोगों ने सुना होगा 2014 में आपने एक एक होते हैं कि अकाउंटेंट होते हैं महा अकाउंटेंट अपने उत्तर प्रदेश के लिए इस समय और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अब टैक्स का बंटवारा हो चुका है कि राज्य का अलग होगा केंद्र का अलग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सुना होगा क्या, एक सी ए जी सुना ना, फिर से बता दीजिए जैसे महालेखाकार तो ये होता है आय का और ये होता है व्यय का और दोनों पावर बटे हुए हैं अलग अलग व्यक्ति के सी ए जी का पैसा आया तो ये नोट होगा तो कौन नोट करेगा, महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया को महालेखाकार और जब आपको पैसा आने का वो एक आदमी नोट करेगा और जाने का दूसरा यानी खर्च कर देगा, ये वे मुस्तौफी है मालिक का मतलब क्या है वो अधिकारियों का जो महालेखा परीक्षक होगा जो वे को नोट करेगा, अगर एक ही आदमी के ऊपर आए और वे दोनों डिपेंड कर दिया जाए तो कुछ भी नोट कर सकता है रजिस्टर में, बेमानी हो सकती है। और ये सारे पद जो थे वो वंशानुगत पद नहीं थे बल्कि सुल्तान उनकी नियुक्ति करता है, सुल्तान उनकी जैसे आज भी कोई पद जो है वो वंशानुगत डीएम हो गए तो डीएम का बेटा डीएम बन जाएगा, हम बाबू बन गए किसी बैंक में तो बाबू का बेटा बाबू बन जाएगा, मैनेजर बन गए तो मैनेजर का बेटा मैनेजर बन जाएगा, कोई भी पद आज के समय में वंशानुगत नहीं। और भारत में तुर्कों के आने से पहले जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें सब कुछ वंशानुगत हो गया, राजा का बेटा राजा यहाँ सुल्तान का पद तुतमिश तो शुरू किया बोले मोहम्मद गोरी तो था सुल्तान लेकिन उसके बाद उसके पुत्र को देने में गुलाम बन गया, इल्तुतमिश भी दमाद थे घर के लेकिन इल्तुतमिश ने परंपरा शुरू की लेकिन ऊपर सुल्तान में जो है वो वंशानुगत लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था एडमिनिस्ट्रेशन में वंशानुगत सिस्टम यही प्रशासन समझना कि प्रशासन में वंशानुगत सिस्टम नहीं चला, सुल्तान में चला लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं चला। ये दोनों नोट कीजिएगा, प्रश्न बहुत पूछा जाता है, दोनों में अंतर पूछ लिया था, एक तो आय जितना टैक्स आया उसको नोट करेगा और खर्च कौन करेगा, सुल्तान से जब पूछेगा रजीद का आदेश होगा उसको भी नोट किया जाएगा, फिर उसकी ऑडिटर ये ऑडिट भी करेगा महालेखा परीक्षक ऑडिटर भी उसको बोलते हैं ऑडिटर जनरल कि जो पैसा आया वो सही मत में खर्च हुआ या खर्च हुआ कहीं इधर उधर हिसाब मिल गया कि नहीं मिल गया। हम आपको बता दें आज बैंक है बैंक में बैंक मैनेजर कब तब तक घर नहीं जा सकता आपने जब तक पूरे बैंक में आए और व्यय कितना जमा हुआ कितना निकला वो रात को तक मिल गया और तभी वो कर जाता क्योंकि पहले तो मैनुअल होता था तो ऑनलाइन सब पूरा रोज चेक होता है यहाँ से लेकर पूरा रिजर्व बैंक का चेक होता कि बेमानी आप लोगों ने सुना होगा कि एक घोटाला हुआ था 1905 में हर्षद मेहता का घोटाला वो स्टेट बैंक का घोटाला था 500 करोड़ रुपए दिख तो रहा था कागज लेकिन पैसा कहीं और चला रहा था इसीलिए फिर सब तब मैनुअल काम होते थे अब सब मैनुअल काम खत्म हो गए इंटरनेट आ गया तो करप्शन धीरे धीरे खत्म हो रहा है देखिए कितना खत्म होता है क्योंकि इंसान अगर बेईमान है तो करप्शन कभी खत्म नहीं होगा इंसान को अच्छा होना पड़ेगा। सर से जो बताया जी का बताया क्या है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सी ए जी अब सी ए जी ने जो जो घोटाले हुए थे कांग्रेस की सरकार में कोयला घोटाला कौन कौन सा घोटाला
सीएजी ने जो सारी रिपोर्ट जारी किए थे, ये सरकार के सरकार, और ये सब आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो बहुत से पद हैं जो संवैधानिक संस्था का मतलब संवैधानिक इंस्टीट्यूट कौन कौन से, चुनाव आयोग कौन सा, और सीएजी संवैधानिक सरकार अपॉइंट तो करता है, उसको कार्रवाई लेकिन नहीं कर सकता, पूरा आय व्यय का पूरा निर्णय करता है वो, सरकार के आय व्यय को चाहे तो देख दिखा दे चुके थे, आप आगे लगे आपको मिल जाएगा कितना आय हुआ कितना, तभी तो करप्शन खत्म होगा। तो आप लोग जब पढ़े तो ये भी ध्यान रखें कि संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी बात, जहाँ पर सरकार रिजर्व बैंक, बताइए रिजर्व बैंक कौन सी संस्था है सरकारी की संवैधानिक, संवैधानिक संस्था रिजर्व बैंक में भी सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है, लेकिन अब करती तो वो सिर्फ रघुराम राजन ने इसीलिए स्थिति बनी, सरकार को रिजर्व बैंक में इंटरफेयर करने का राइट नहीं, गवर्नर अपने अकॉर्डिंग काम संविधान में संवैधानिक संस्था के रूप में होगा देख लो, लेकिन संवैधानिक संस्था के सांविधिक होगा ना, सांविधिक होगा ना, कोई एक्ट ला के उसको मतलब जोड़े हो गया संविधान भाई। भारत में जो बैंक की स्थापना हुई थी मुझे याद है 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 वही संविधान बन गया। ये सब विभाग तो थे ही, ये दो विभाग तो मतलब ये वजीर के अंतर्गत ये दोनों विभाग ठीक है, इसके अलावा और भी विभाग थे, जैसे कि एक विभाग है दीवान इशराफ, दीवान वकूफ, अब ये पूछता है दीवान वकूफ का बारे बहुत बात पूछा है, दीवान वकूफ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको सबसे जैसे समय समय के हिसाब से नए नए विभाग बनते थे, जैसे मान लीजिए कोई करप्शन हो रहा है तो करप्शन जो लोग करता है तो कोई नया विभाग बना उस पर जाँच करने की उसकी पड़ताल करने के लिए, आगे से अब इसे दीवाने वकूफ है, तो अब इसको दीवाने वकूफ को बनाया था किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, क्यों बनाया था, या वह के कागजातों की देखभाल करता है कि जो कागज जो हम अपना रिकॉर्ड जो वह हुए हैं उन सारे कागजों को हम संभाल के रखें, दीवाने वकूफ दीवाने इस्तीहा से पेंशन विभाग, ये जो सैनिक काम कर रहे हैं रिटायर हो गए उनको पेंशन दिया, अब पेंशन कैसे नकद नहीं दिया था तो लाइन दे दिया क्या उस लाइन उस लाइन को दिए और इससे जो प्रोडक्शन की थी और अपना गुजारा, जैसे आज आप रिटायर होते हैं तो आपको क्या मिलता है नकद में पैसा मिलता है, उसमें पैसा तो मिलता नहीं तो उसमें लैंड मिलता है, ये अब लैंड नहीं थे उसमें प्रोडक्शन की थी और अपना जीवन निर्वाह नहीं है। दूसरा विभाग हम लोग दीवाने अर्ज अभी एक हो गया बची है, दूसरा है इसको बोलते हैं सैनिक सेना विभाग, अहमद अयाज को नियुक्त किया
नंबर तीन दीवाने इंसान या शाही सचिवालय था, या शाही सचिवालय था, राजकीय अभिलेखों कौमा पत्र व्यवहार आदि कार्य यहीं से संपन्न होते, आदि से यहीं से संपन्न होते, यही सुल्तान की मोहर होती थी जो अनुदान संबंधी आदेशों पर लगाई जाती। दीवाने इंसा से ही सुल्तान के फरमान जारी होते या आदेश जारी होते या फरमान जारी होते। यही सुल्तान की मुहर होती थी जो अनुदान संबंधी आदेशों पर लगाई जाती थी। दीवाने इंसा से ही सुल्तान के फरमान जारी होते थे। फरमान कह लीजिए या आदेश कह लीजिए, इसका मतलब ये है कि सुल्तान को कोई आदेश पहुंचाना है राज्य में प्रांत, तो अब कैसे पहुंचेगा? कोई व्हाट्सएप तो था नहीं, कोई टेलीग्राम तो था नहीं, तो वो शाही जब वो अपना आदेश देता था शाही सचिवालय को दीवाने इंसा, तो वहाँ उसको लिखा जाता था। वो माना कब जाएगा? जब सुल्तान की मुहर उस पर, इसलिए जो सुल्तान के जितने भी मुहर लगे हुए कागजात हैं, जो आपके इतिहास की किताब जो आप पढ़ते हैं, तो इतिहास की किताब में जो लिखा हुआ है, जो उसमें रिफ्रेंस लिखा रहता है, उन्हीं मुहरों वो रिकॉर्ड रखे हुए हैं अभी भी, वो रिकॉर्ड रखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आपका जो ये बनारस का जो मंदिर और जो मस्जिद बनाए, तो औरंगजेब ने बाकायदा उस पर अपना आदेश जारी किया और वो कागज अभी भी रखा है। और इस बात को जितना सरकार भी अपनी फान अभी जो इतिहास के गुरु हैं पितामह जो रहते हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि जो इरफान हबीब ने कहा ही कि जो हो गया सो हो गया, अब नए सिरे से कैसे से अच्छे ढंग से रहते हैं, और औरंगजेब जो गलती कर गया उसकी सजा हमको क्यों वो करना है, ये कहना है इरफान कि अब नए ढंग से काम किया जाए। लेकिन अब वो तो कर गया रिकॉर्ड, जैसे आज मुख्यमंत्री कोई आदेश देंगे तो बिना जब तक वो डिटेल में नहीं देंगे तब तक वो आदेश का कोई वैल्यू उसका दस्तखत होता है तब माना जाता है। तो पहले दस्तखत नहीं होता था, पहले तो दस्तखत नहीं होता, पहले मोहर लग जाती, मोहर लग गया मतलब वो राजकीय आदेश होता है, और अब भी राजकीय आदेश होते हैं तो मोहर तो लग जाता है लेकिन जारी हो जाते हैं, जिसको जियो कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर। ये आपका कोर्ट चल रहा है तो इसके लिए मुख्यमंत्री का बाकायदा मीटिंग हुआ होगा सभी सचिवालय से, ये विभाग होगा समाज कल्याण और समाज कल्याण विभाग में समाज कल्याण का एक समाज कल्याण प्रमुख अधिकारी होगा, और जब उनका दस्तखत हुआ होगा तो फिर यहाँ उनके दस्तखत से सारे पूरे उत्तर प्रदेश में, ये बस्ती में नहीं चल रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो 75 जिले में चल रहा, तो एक जगह से आदेश हुआ और 75 जिला में 75 जिलाधिकारी को पहुँचा दिया गया एक सचिवालय के माध्यम से, एक सचिव के माध्यम से, और सभी लोग उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। ऐसे उस समय भी सुल्तान को अगर कोई काम करना होता था तो सुल्तान वकील तो करेगा नहीं, उसके लिए अलग विभाग, वहाँ से आदेश हुआ कहाँ आया शाही सचिवालय, दीवाने इंसा में आया और दीवाने इंसा में उसको लिखा गया कि सुल्तान की मोहर लगा, अब वो किस अंदर चला गया, फिर उसी को लोग फॉलो करते, यानी कि सिस्टम था, बिना सिस्टम के कोई काम, किसी का अपॉइंट करना है तो जब तक उसकी मोहर नहीं लगेगी तब तक कोई अपॉइंट नहीं होगा, किसी को हटाना है तो सुल्तान की मोहर लगेगी तो हटाया जाएगा, ये सिस्टम उस समय। और नंबर फोर दीवान रिसालत, रिसालत कहते हैं कि रिसावत
इस विभाग के कार्यों की कोई निश्चित जानकारी नहीं, इस विभाग के कार्यों की कोई निश्चित जानकारी नहीं है। पत्नी ने भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि ये एक धार्मिक विभाग है, वही कुछ का कहना है कि यह सुल्तान के सुल्तानों की विदेशी वार्ता एवं कूटनीतिक संबंधों जैसे राजदूतों का आदान प्रदान आदि को देखकर, और जगह आप पढ़ेंगे कि विदेश विभाग है, लेकिन अगर सही बात तो आप इसमें था कि नहीं था इसमें कोई किसी को कोई जानकारी नहीं। क्या लिखते हैं सतीश चंद्रा, क्या लिखते हैं भाई सतीश चंद्रा की बात माननी पड़ेगी, इन्होंने बड़ा काम किया इतिहास। डॉक्टर सतीश चंद्र महोदय के अनुसार फिरोज तुगलक ने लोक शिकायतों के निवारण के लिए दीवाने रिसालत विभाग बनाया। फिरोज तुगलक सतीश चंद्र कहते हैं कि लोक शिकायत जनता की अगर कोई शिकायत आती है उसके लिए अलग विभाग बना दिया दीवाने रिसालत। जो भी हो लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जरूरतमंद एवं उचित पात्रों को वजीफा, वजीफा शब्द है तो फारसी शब्द है, वजीफा का मतलब होता है आजीविका, आजीविका वजीफा का मतलब, एवं राजस्व मुक्त भूमि इसको इमला कहते हैं, राजस्व मुक्त भूमि आवंटित करना इसका मूल काम, लोगों को वजीफा देना है या राजस्व मुक्त भूमि देनी है उसको इस विभाग के माध्यम से किया जाता है। दीवाने विशाल सतीश मुना होते जाता है, लेकिन था क्या ये किसी को नहीं, तो देख रहे हैं इस विभाग के कार्यों की कोई निश्चित जानकारी, इस विभाग के कार्यों की कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन सतीश चंद्र महोदय का मानना है कि इस विभाग से वजीफा और राजस्व मुक्त भूमि लोगों को दी जाती है। वजीफा मिलता है ना अभी बहुत लोगों को, मोहन देता है पहले वजीफा कहते थे आप कहते हैं छात्र, जैसे अब ये क्या है फ्री में कोचिंग पढ़ना, मतलब क्या है सरकार ने तो सुविधा दी आपको, कोई विभाग के त्रुटि होगी ना, इसका पैसा भी कहीं आवंटित किया होगा, बजट आवंटित किया होगा, तो सिस्टम है कि सबको जितने लोग काम कर रहे हैं सबको पैसा मिल रहा है, सरकार दे रही, सरकार कहाँ से दे रही है बजट, सरकार मतलब कहाँ से दे रही है, सरकार को पैसा कमा तो नहीं है, सरकार सिर्फ टैक्स से पैसा, टैक्स लगाई तो पैसा के, तो पैसे को फिर सरकार का काम है कि उसको सही ढंग से खर्च कर, जिससे कि लोग दुखी रहें, लोग आगे बढ़े, लोग तरक्की करें, खुशहाली हो, और सबसे बड़ा काम सरकार का क्या है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य शासन, शांति व्यवस्था भंग ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी भी सत्ता में। सुल्तान का मैंने लिखा है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारण है शांति व्यवस्था को बनाए रखना सुल्तान। अब अन्य अधिकारी, ये तो चार अधिकारी हो गए, उसके बाद हम प्रारंभ कर चलेंगे, लेकिन अभी कुछ और भी अन्य अधिकारी हैं उनके नाम आप जैसे मैंने अभी एक लाइन लिखा, आपने एक लाइन लिखा कि नायब का पद अगर ना हो तो वजीर सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, ठीक ये लाइन आपने लिखा अभी ना, कि अगर नायब का पद ना हो तो सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वजीर, वजीर ठीक, लेकिन नायब का पद आएगा कैसे, एक्चुअली हुआ क्या कि आपको कल मैंने बताया था कि एक कमीज ने चरगान बनाया 40 गुलामों का 10 शासन करने के कि अपने लोगों को रखेंगे, अपने लोगों को रखेंगे और अच्छे से साम्राज्य को चलाएंगे, लेकिन जब तक इल्तुतमिश कमी जीवित रहा, जब तक इल्तुतमिश जीवित रहा तब तक तो बढ़िया सरकार चला, लेकिन इल्तुतमिश की डेथ के बाद सरकार बन गया किंग मेकर बन गया, और टूटू कमीज के बच्चों को ही बनाया हो किंग, लेकिन वो चाहता था कि जो वास्तविक शक्ति है वो चरगान के पास, और वो सिर्फ राजा के नाम उसके वंशजों टूटू कमीज ने, उसने रजिया सुल्ताना ने इग्नोर किया चरगान को, खुद शासन करना चाहिए कि हम शासन करें, अपना निर्णय स्वयं लें,
मरवा दिया, हत्या हो गई। अब हत्या हुई उसके बाद तो मैंने आपको दो नाम बताए हैं, एक मसूर शाह और एक रसूल शाह, एक बहराम शाह। और एक नाम उसके बाद है आसूल सिंह महमूद। अब इनसे ये कहा कि अब इनका कार्यकाल देखेगा, किसी का 2 साल है, किसी का 4 साल है, इसका तो खैर लंबा है, 65 तक है, बाबा जी 65 तक है। तो चरगान जो है 40 गुलामों का जो दल है वो कहता है कि एक पद बना कर नाई के मुहर, ये क्वेश्चन पूछता है कि सुल्तान हो गया, बाकी अधिकारी हो गए, 4 अधिकारी के नाम बताए ना, वजीर का महत्व तो कम कब होगा, जब नाइब का पता चल पता जाएगा। इसीलिए इन्होंने पद बनाया नायब बे मुगल का, कि अब राजा सिर्फ नाम मात्र का होगा और सारा निर्णय कौन लेगा, यानी जो नायब होगा सैद्धांतिक रूप से, ये सैद्धांतिक रूप से किन तो ये होंगे मसूद शाह बहराम शाह, लेकिन व्यवहारिक रूप से कौन होगा, इसलिए इस पद को इसके बारे में। लेकिन नाई के अमलकार भी कहते हैं, अमलकार भी तो सुल्तान, सुल्तान ये अन्य अधिकारी में लिखिएगा नंबर 1 पॉइंट। ये अब ये इसी को, ये थोड़ा सा इसी को कहते हैं कि जैसे अब ये बच्चों का ध्यान जाता नहीं जब पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये क्या है, ये प्रश्न कैसे पूछ लेगा, जब हमने गए तो पूछा कि यही बताइए नाइब मुहम्मद काज क्या। अब नाइब मुहम्मद काज कब याद रहेगा, याद तब रहेगा जब आप ये ठीक करेंगे कि सरकार है, सरकार के ऊपर जब कोई कंट्रोल करना चाहता है। भाई अगर नियंता देखा जाए तो सुल्तान को अपने स्वविवेक से शासन करना चाहिए ना, लेकिन इसको तमीज ने बनाया था कि सरकार के थ्रू हमको बढ़िया रूल करेंगे, समाज का एक्सटेंशन करेंगे। उसकी डेथ हो गई तो सबसे पहले लड़की को अपने बना दिया, जो इस्लाम के बुजुर्ग का कह रहे लड़कियों को कैसे बना दिया उत्तराधिकारी, लड़की जबरदस्त थी, जबरदस्त थी तो जबरदस्त 4 साल शासन किया उसने, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो उसको मारे, फिर उसको मारे तो षड्यंत्र के थ्रू मारे ना, कि अब हम तुमको बनाने जा रहे हैं बादशाह सुल्तान, लेकिन तुमको तब बनाएंगे क्योंकि आप 2-3 भाई हो, किसी को बनाने की झगड़ा करोगे बना कि जब तुम इस पद को क्रिएट करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बहराम का हम इस पद को क्रिएट कर रहे हैं, हम नाम मात्र के साथ साथ रहेंगे और आप असली शक्ति किसके पास रहेगी, नाइब मुगल का। तो इसका मतलब इनको याद करना, इसलिए याद नहीं करना है आपको, आपको समझना राजनीति समझना, तो दूर से जो दिखाई देता है उस पर्दे के पीछे की रिपोर्ट दुनिया, और पर्दे का मतलब है कि पर्दे के सामने सिनेमा से देख के न चले, उसके पीछे कितना संघर्ष है उसको भी आप जाने। कौन था नायब मुहम्मद बहराम शाह, पहला पद जिसने सृजन किया, चरगाम के कहने पे सुल्तान बहराम शाह ने इस पद का सृजन किया, जिस पर पहली नियुक्ति इख्तियारुद्दीन एतकीन का, अब जिस इख्तियारुद्दीन एतकीन का नाम ले रहे हैं इसी व्यक्ति ने मरवाया था रतिया, इसका नाम ले रहा हूँ, इसको अपॉइंट किया इख्तियारुद्दीन एतकीन, इसी ने मारा रतिया सुल्तान को मरवाया, इसी ने मारा नहीं मतलब मरवाया, और रही नायब बना। अब इसे क्या सीखे कि रतिया सुल्तान को शासक के रूप में देखना नहीं चाहिए। सुल्तान बहराम शाह ने इस पद का सृजन किया, जिस पर पहली नियुक्ति इख्तियारुद्दीन एतकीन हुई, इख्तियारुद्दीन एतकीन और अगर जल्दी करो तो बस खत्म हो जाएगा ये 10 मिनट, उसके बाद प्रांत कह देंगे फिर उसके बाद। नायब का पद सुल्तान के बाद माना जाता है और वजीर से भी श्रेष्ठ समझा जाता है, और वजीर से भी श्रेष्ठ समझा जाता है, नायब का पद सुल्तान के बाद माना जाता है और वजीर से भी श्रेष्ठ समझा जाता है।
मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा अंदर अंदर घुसने की इच्छा नहीं लेकिन थोड़ा सा पूछा था, इसे समझ लीजिए, अब सुन लीजिए, अब पढ़ के इसको लिखिए। कभी कभी वजीर एवं नायब का पद एक ही व्यक्ति को दिखे, वजीर भी है और नायब भी, जैसे मलिक काफूर नायब भी था और वजीर भी था, एवं नासरुद्दीन खुसरो मलिक वजीर के साथ नायब भी था, और नायब का जो पद था इसको तुगलकों ने समाप्त कर दिया, नायब के पद को तुगलकों ने खत्म किया। अंतिम तुगलक सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के समय वकील सुल्तान की स्थापना हुई जो सामान्य शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था के चलता है। कहने का मतलब है कि ये पद तो बन गया जो वजीर और सुल्तान के बीच का पद है। अब कोई व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है जैसे मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो वो नायब भी था और वजीर दोनों पद का, लेकिन अब इस पद को जब तुगलक है तो उन्होंने तुगलक ने वजीर के पद को एक इम्पोर्टेंस दिया और जो नायब का पद था उस पद को समाप्त कर दिया, और जो तुगलक थे और तुगलक के वजीर थे को एक ब्राह्मण था जो अपना धर्म प्रवर्तन के मुसलमान था, उसका नाम था खाने जमल, तो तैलंग दक्षिण भारत का ब्राह्मण तैलंग ब्राह्मण, और बहुत अच्छी दोस्ती थी उसकी सुल्तान के साथ तुगलकों के साथ तुगलक, और उसने इस वजीर के पद को वंशानुगत करा दिया, लिखवा लिया था फिरोजपुर से फिरोजपुर तक कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा है दूसरा बेटा जो चौदह शाह था मेरे मरने के बाद वो होगा वजीर, और वो हुआ तो तुगलक के समय में नायक का पद चला, यानी कि आप वहाँ से शुरू करेंगे बिल्कुल तमीज से चरगा और बहराम साथ ही शुरू हुआ नायक का पद, और कहाँ तक जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और यासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और ये खाने जहाँ महमूद जिसका नाम था वो दूसरा वजीर था, लेकिन वो कौन था जानने लगे, वो ब्राह्मण था जो मुसलमान बना और फिर दोनों की दोस्ती बराबरी कर रहा था। कई मौके आए उसने कहा कि मैं और मेरे वजीर में कोई अंतर नहीं, वो जो आदेश जारी कर देगा उसको लोग माने। तो एक पद ये हो गया, दूसरा है वकील एदर, ये अन्य विभाग में लिखिएगा जब सेंट्रल से मदद है अन्य का वकील एदर, वकील या राजप्रवास विभाग से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी, जैसे राजप्रवास से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा इसको डिसाइड करेगा वकील एदर। नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट जो है लिखिए वकील एदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं, काजी उल पुजार या न्याय विभाग का पद, या न्याय विभाग का प्रमुख पद, अभी मैंने आपको बताया था कि सल्तनत काल में सुल्तान अंतिम न्याय, यानी कि अगर नीचे से कोई मामला नहीं सुलटता है तो आखिरी में कौन न्याय करेगा, सुल्तान, ठीक है, तो सबसे लेकिन उसके नीचे अगर कोई मामला है तो कौन देखेगा, काजी विभाग, जितने प्रांत हैं हर प्रांतों में काजी उल कुजात की नियुक्ति है कि अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान कौन करेगा, काजी, और काजी अगर समाधान नहीं कर पाया तो आप कहाँ जाएंगे, सुल्तान के पास, वो समाधान अंतिम न्यायाधीश वो है। हिंदुओं के साथ न्याय करते थे और मुसलमानों के ऊपर
करियर के अकॉर्डिंग। सिविल मामले, सिविल मामले क्या होते हैं? शादी हो गया, संपत्ति हो गई। सिविल मामले क्या होते हैं बच्चे, मतलब समझते हो सिविल मामले? यस सर। सिविल और फौजदारी में अंतर क्या है? शादी विवाह तलाक संपत्ति संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकारी जमीन जायदाद की मुकदमे, ये सब सिविल में है। और मर्डर कर दो, किसी ने चोरी कर दो, ये सब इसमें आ जाएगा फौजदारी में। ठीक है, तो देखो कि आप इसको समझिए ना कि कितना दिमाग लगाया। जैसे उन्होंने अभी हिंदुओं के ऊपर भी अगर जबरदस्ती मुस्लिम कानून लागू करते हैं तो कितना विद्रोह हो जाता। अंग्रेज भी आए भारत, उन्होंने भी जो अंग्रेजों को यहाँ रहना था थोड़ा बहुत इंटरफेयर किए थे वो धारणाओं, लेकिन जैसे 1857 का विद्रोह हुआ वैसे उन्होंने कसम खा लिया कि हम किसी भी धार्मिक मामले में इंटरफेयर हो। लेकिन तो इसीलिए वो हिंदू के मामले में हिंदू विधि शास्त्र के अकॉर्डिंग और मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए। ठीक है, और अगर फौजदारी का मामला था तो सबके दोनों के ऊपर है। अब जब देश आज़ाद हुआ तो कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, और उसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, हम बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। और चाहे सिविल मामले हो, जैसे मुसलमानों को 4 विवाह करें, तलाक है 3 तलाक है दे दिया, तो आप वो कहते हैं कि नहीं चलेगा, वो महिला है और महिला से पूछो वो तैयार है 4 विवाह के लिए, तो मुझे पहले कहते नहीं, क्योंकि हम कानून बनाएंगे, हमको वोट दो, हम चुनाव चीज कराएंगे, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। अगर आप बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अब भारत में अगर 140 करोड़ लोग रहते हैं तो सबके ऊपर इक्वल एक जैसा कानून, सबके अपने पर पर्सनल लाने होगा, पर्सनल ला समाप्त हो जाता है। अब देखते क्या होता है। चौथा है सर वो सुदूर, ये धर्म विभाग का, धर्म विभाग का सत्र को सुदूर, सत्र को सुदूर जैसे मुसलमानों में एक टैक्स होता था जकात, अभी भी लोग जकात पे करते हैं। जकात का मतलब होता है कि अगर आप साल भर में 1,00,000 रुपया कमाए हैं तो आप उसका 2.5% 2,500 रुपया आप टैक्स दीजिए। अभी भी मैं देखा हूँ बहुत से मुसलमानों के, अमीर मुसलमान जो पैसा कमाते हैं वो जोड़ते हैं अपने पूरे साल भर की इनकम और उसके बाद 2.5% वो जकात में उसको दान देते हैं। ठीक है, तो वो दान इसी विभाग के तहत सर दो सी और पैसे को कहाँ एक्सपेंस किया जाता है कि जो गरीब लोग हैं उनके खर्चे के लिए या कुछ धार्मिक कार्य के लिए दे दिया। ठीक है, ये उस समय से चला रहा है। 5 तरह के कर हैं, जजिया, जकात, खराब, घूम्स और उस घूम्स के बारे में कल मैं बता चुका हूँ। उसके बारे में जजिया, जकात, खराब, घूम्स, घूम्स के बारे में कल मैं घूम्स जो दूध का माल होता है उसको घूम्स उसमें नहीं घूम उसमें तो घूम कर घूम्स हाँ ऐसे जकात दिए कर। 500 विभाग है वलीद मुमालिक, वलीद मुमालिक को बोलते हैं गुप्तचर, गुप्तचर विभाग क्या बने गुप्तचर विभाग कौन सा वलीद मुमालिक दीवाने रिसातल आप क्या लिखा है जो है धर्म विभाग वो उसके बारे में कुछ डिटेल नहीं है, मतलब उसके बारे में कुछ पता नहीं, सिर्फ प्रेजेंशन किया गया धर्म विभाग सती चंद्र। मैंने ये पढ़ा है वो शायद वो खाद्य वाला जो विभाग है वो वाला है साथ है। नहीं, इस विभाग के कार्यों की कोई निश्चित जानकारी नहीं, सिर्फ प्रेजेंशन है, क्योंकि तत्कालिक कोई फोर्स नहीं है, इसलिए पता चले कि उस विभाग का कार्य सती चंद्र ने लिखा है कि लोग शिकायतों के निवारण के लिए दीवान के विभाग बना लेकिन इसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं दीवाने निशान। क्या लिखा आपने वलीद मुमालिक लिखा? देखिए गुप्तचर भी घूम रहे हैं ना, ऐसे सब
सुल्तान को कोई सूचना प्राप्त करनी है सबके ऊपर ट्रस्ट चुके हैं तो अपने आदमी अपॉइंट होता था और राज्यों में घूमते रहते कई कोई विद्रोह होने इसकी जानकारी सुल्तान तक पहुँचते अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया वो तो सबके बलबन में भी चलेगा युद्ध में भी चलेगा लेकिन उसकी सफल क्यों रही क्योंकि उसके जो गुप्तचर थे वो पूरे बाजार में घूमा करते और किसी को कोई बेईमानी करने अगर होता था तो उसकी सूचना सुल्तान तक पहुँच जाती थी और सुल्तान उसको तुरंत पनिश करते जिससे कि कोई व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो। आज भी सरकार के अपने सुनते होंगे एक सरकार है LIU बोलते हैं वो पागल की तरह ऐसे पूरे मार्केट में घूमते रहेंगे। यहाँ तक सरकार के पास ये आंकड़े होते हैं कि 6 महीने में कौन अमीर बना जाना चाहिए एक एक आदमी पर नज़र होती है तो अमीर बना तो कैसे बन उसके बाद पैसा कहाँ से है सरकार तक किस वो कहीं ना कहीं लिप्त है फट से प्रेस कर देते मतलब अगर कहते ना कि अलग कोई घटना घट जाती है तो कहते हैं कि सरकार का तंत्र फेल होता है तब घटना घटे जब दंगा हुआ इसके ऊपर जिम्मेदारी करना सारे सवाल सरकार से पूछना कि सरकार का तंत्र प्रशासन फेल हुआ तभी दंगा हुआ अगर उनसे अगर प्रशासन स्ट्रांग हो जाए तो पत्ता भी नहीं उनको मिल सकता अगर चोरी हुई है अगर किसी के घर से और नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि चोर और पुलिस दोनों कभी नहीं मिले वरना अगर प्रशासन चाहे तो पत्ता भी नहीं मिल सकता ये जानो ये है प्रशासन अगर कुछ करप्शन हुआ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है प्रशासन तभी वो गलत काम होगा वरना हो नहीं सकता ये सर एक जानदार एक पद था सर एक जानदार इसको बोलते थे सुल्तानों के जो अंग रक्षक होते थे उसके प्रधान उसको सर एक जानदार सर एक जानदार सर एक जानदार जब आप डिटेल में पढ़ेंगे एक चुनाव तो जितने आप बड़े बड़े पदों को सुन रहे हैं ये सब इन्हीं छोटे छोटे पदों पर अपॉइंट होकर बड़े बने सुल्तान जाकर सुल्तान नहीं बनते छोटे पर धीरे धीरे महत्वाकांक्षा आती गई और तब जाके सुल्तान अपॉइंट हुए थे सुल्तान बाद फिर अमीर हाजी बने दूसरा कौन पद है अमीर हाजी अमीर हाजी अमीर हाजी हाजी का क्या काम था राज दरबार के शान सौकत एवं समारोहों के देखने वाला अधिकारी राज दरबार की शान सौकत और समारोहों को देखने वाला अधिकारी सभी अर्जियां उसी के माध्यम से सुल्तान तक पहुंचती थी सभी अर्जियां उसके माध्यम से सुल्तान तक पहुंचती थी कि यह सबका विकल्प दे देगा उन्हें कौन सा था उनसे सारा ऑप्शन दे देगा और उसको टिक लगा दीजिए आपके नंबर पक्का हो जाएगा तो ये तो आपका हो गया आपका सेंट्रल का सेंट्रल में पूरे आपके प्रशासन हो गए और बाकी अन्य अधिकारी हो ठीक है अब आपका प्रांतीय प्रशासन का नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन तो सेंट्रल को मैनेज करेगा इतना इतने पूरे अधिकारी केंद्रीय सरकार के तहत और प्रांत अपना वो प्रांतों को अलग प्रांतीय प्रशासन प्रांतों को विलायत या इक्ता कहते थे प्रांतों को विलायत या इक्ता कहते थे प्रांतों में
वली या मुक्ता की नियुक्ति होगी। प्रांतों में वली या मुक्ता की नियुक्ति होगी। बढ़नी के अनुसार सल्तनत में कुल 20 प्रांत हैं। बढ़नी के अनुसार सल्तनत में कुल 20 प्रांत हैं। प्रांत में मतलब जो आप लिखते हैं उसमें दक्षिण भारत के प्रांत नहीं हुए, ठीक है, दक्षिण भारत की छोड़ो। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण प्रदेश से कुल 5 प्रांत, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिणी प्रदेश के कुल 5 प्रांत देवगिरी, तेलंगाना, बाबर, द्वार समुद्र एवं कंपली समृद्ध थे। देवगिरी, तेलंगाना, बाबर, द्वार समुद्र एवं कंपली के बारे में कुछ राइटर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। अच्छी अच्छी बातें कियाउद्दीन बद्री वगैरह के बारे में, कियाउद्दीन बद्री वगैरह का नाम सुनते हैं, इतने बड़े इन राइटर हैं, लेकिन इनका जो लास्ट समय था उनको पनिश किया गया, बेगम तुगलक उनको पनिश किया और जेल में थी। क्यों हुई थी, क्यों पनिश किया गया था, ये मैं कल बताऊँगा। सर जी आप जहाँ करवाते हैं वर्तमान उपनिबंधक कार्यालय बोलते हैं, तो उनसे अधिकारी को क्या बोला जाता है? रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार बोलते हैं। बहुत अच्छा पद होता है ये, यूपी पीसीएस के थ्रू आता है और आप बन जाइए और उसके बाद आप महीने का कितना बन गए? कम से कम 5 लाख।